तो वक्त हो चुका है आज की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरों का। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। दोस्तों आज पीएम मोदी शाम 7:15 बजे लेने वाले हैं तीसरी बार पीएम पद की शपथ। आपको बता दें एनडीए के समर्थन के साथ सरकार बन रही है। इसके साथ ही सीएम योगी ने 3 बड़े फैसले ले लिए हैं जिसकी वजह से आम नागरिकों को बड़ा फायदा होने वाला है। 9 जून दिन रविवार काफी खास है क्योंकि आज भारत पाकिस्तान का मुकाबला भी है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का लगातार कमेंट आ रहा था कि आज हम पीएम मोदी का शपथ देखें या फिर भारत पाकिस्तान का मैच देखें, मतलब दोनों खुशी एक साथ एक समय पर मिलने वाली है। हालांकि आपको पूरी खबर का कवरेज दिखाया जाएगा, जानेंगे पूरा अपडेट, बने रहिएगा आप हमारे साथ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बात कर ले पहले खबर की, तो रिजल्ट के 48 घंटे में यूपी सरकार के बड़े एक्शन आ गए हैं। आपको बता दें कि 13 जिलों में 16 एनकाउंटर किया गया है, 61 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं, जल्द वैकेंसी निकालने का आदेश भी दे दिया गया है। लोकसभा चुनाव में सपा को सबसे ज्यादा 37 सीटें मिली है। भाजपा को पिछली बार के आम चुनाव की तुलना में 29 सीटों का नुकसान हुआ है। इसके बाद यूपी सरकार एक्शन में आ गई है और रिजल्ट आने के 48 घंटे के अंदर ही बड़ा फैसला लिया गया है। सबसे बड़ा फैसला विभागों में खाली पदों पर नौकरी को लेकर है। सीएम ने अफसरों को इसको लेकर निर्देश जारी कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए एनकाउंटर से लेकर पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने तक की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन सीएम योगी के कई बड़े फैसले हैं। पहला कि विभागों में खाली पदों को भरने का आदेश दे दिया है जिससे कि कहीं पर भी वैकेंसी खाली ना रहे। 60,000 की वैकेंसी है। सिपाही भर्ती परीक्षा नई डेट जल्द ही आ सकती है और सभी नौजवानों को इसका फायदा मिलेगा। देखिए इसके साथ ही इन मुद्दों पर भी सीएम योगी बेहद गंभीर है। नए सत्र से पहले गन्ना पेराई का भुगतान भी योगी सरकार किसानों को देंगे। वो अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि किसी भी स्थिति में किसानों का भुगतान बकाया न रहे। मनरेगा मजदूरों का पैसा भी समय पर मिलता रहे, इसको लेकर सीएम योगी ने बेहद सख्ती के साथ काम किया है। अब आपको बता दें सरकार बड़े बड़े फैसले ले सकती है, रुके हुए काम और बेरोजगारी दूर होगी। वही अयोध्या जीतने वाले सपा सांसद बोले यहाँ से मोदी जी भी हार जाते। भाजपा को हराने के बाद चर्चा में आए अवधेश प्रसाद बोले मेरे रोम रोम में राम है। चर्चा तो पीएम नरेंद्र मोदी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की हो रही थी। अब अच्छा समय आएगा जब मोदी यहाँ से चुनाव लड़े। हम जानते थे कि जनता मेरे साथ है, इस बार पीएम भी अगर यहाँ से लड़ते तो चुनाव हार जाते। ये है अवधेश प्रसाद, अयोध्या के नए सांसद। सपा के चुनाव लड़ते ही इन्होंने भाजपा को हरा दिया। भाजपा वालों ने देशवासियों को राम मंदिर के नाम पर गुमराह किया है, इसलिए अयोध्या की जनता ने उनका अहंकार तोड़ दिया है। वही दोस्तों अकबर नगर में अवैध मकान खाली कराने पहुंची है पीएसी। आचार संहिता खत्म होते ही एक्शन शुरू हो गया है, जल्द हटाए जाएंगे अवैध कब्जे। ये दोस्तों आचार संहिता खत्म होते ही अकबर नगर में शुक्रवार को अवैध मकान खाली कराने के लिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। अब आपको बता दें रविवार तक मकान तोड़ भी दिए जाएंगे। अच्छा अयोध्या में हनुमानगढ़ी में निकास द्वार 10 जुलाई तक बंद रहेगा, वीआईपी दर्शन पर रहेगी रोक। सीढ़ियों के चौड़ीकरण के चलते लिया गया है ये बड़ा फैसला। अयोध्या के हनुमानगढ़ी का निकास द्वार 10 जुलाई तक बंद रहेगा, इस दौरान वीआईपी दर्शन पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय हनुमानगढ़ी प्रबंधन समिति ने निकास द्वार पर चौड़ीकरण के निर्माण कार्य के चलते लिया है। वही कांग्रेस सांसदों की मांग, राहुल विपक्ष के नेता बने। राहुल बोले मुझे कुछ वक्त दीजिए, 10 साल से लोकसभा में यह पद खाली है। राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं। कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC की बैठक में उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग उठ गई है। पार्टी सांसदों ने एक प्रस्ताव पास करके इसकी मांग रखी है, इस पर राहुल ने सोच विचार करने के लिए समय मांगा है। भारत ने मई में 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा, पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा खरीदार, स्विट्जरलैंड इसमें टॉप पर। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने मई में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोना खरीदार बना है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक बीते महीने भारत ने करीब 722 करोड़ रुपए का सोना खरीदा। सिर्फ स्विट्जरलैंड और चीन ने भारत से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। चंद्रबाबू परिवार की संपत्ति 5 दिन में 858 करोड़ हो गई। 35% हिस्सेदारी वाली हेरिटेज फूड के शेयर 55% चढ़ गए। आंध्र केंद्र में जीत से बढ़ा है भरोसा। चंद्रबाबू नायडू परिवार की संपत्ति पिछले 5 दिनों में 858 करोड़ रुपए बढ़ गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार हेरिटेज फूड के शेयर में इस दौरान 55% का उछाल आने से ऐसा हुआ है। प्रतापगढ़ में मौलाना की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। PAC बुलाई गई, ADG और IG पहुंचे हैं। जी हां, प्रतापगढ़ में मदरसा के संचालक मौलाना की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मौलाना पैतृक गांव आए थे, तभी 3-4 लोग पहुंच गए, उनसे उधार दिए पैसे मांगने लगे। मना करने पर जमीन देने को कहा, लेकिन वो जमीन देने को तैयार नहीं थे। आरोपियों ने रॉड और लाठी डंडे से पीट पीट कर मार डाला। लखनऊ में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह बोले बिजली काट कर भाजपा ने यूपी की 3 सीटें जीत ली, 5 साल नहीं चला पाएंगे सरकार। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह शनिवार को लखनऊ पहुंचे थे। यहां उन्होंने कहा कि भाजपा ने वोट की गिनती में धांधली की है, लाइट काट कर 3 सीटों पर जीत हासिल की है। जनता ने भाजपा को सबक सिखाया है, जो लोग 400 पार बोलते थे उन्हें जनता ने नकार दिया है।
वही बड़ी खबर सामने आ रही है, अखिलेश यादव विधानसभा सीट छोड़ेंगे, अब दिल्ली की राजनीति करेंगे। 36 सांसदों से मीटिंग के बाद ये बड़ा ऐलान किया है। कन्नौज से सांसद का चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने अपनी विधानसभा करहल को छोड़ने का निर्णय लिया है। इसकी घोषणा उन्होंने सांसदों से मीटिंग के बाद शनिवार को लखनऊ में लिया, यानी अब अखिलेश दिल्ली की राजनीति करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक में नहीं पहुंचे दोनों डिप्टी सीएम, लखनऊ में बुलाई गई थी अहम मीटिंग। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। यह बैठक करीब घंटे भर से ज्यादा चली, लेकिन इस मीटिंग में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य नहीं पहुंचे। वही दोस्तों, यूपी के 29 जिलों में लू की चेतावनी दी गई है। अगले 5 दिनों तक हीट वेव परेशान करेगा। झांसी, प्रयागराज, अयोध्या समेत कई जिलों में 45 के ऊपर तापमान रहेगा। उमस भरी गर्मी और तल्ख धूप के तेवर यूपी के लोगों को पस्त कर देंगे। शुक्रवार से रविवार तक ऐसे ही तापमान बना रहेगा, यानी आज भी आपको गर्मी का सामना करना पड़ेगा। दरअसल यूपी के 3 जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार इटावा में 2.7 मिलीमीटर, बलिया और सुल्तानपुर में 1-1 मिलीमीटर बारिश हुई है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यूपी के 5 ऐसे गर्म जिले जो एकदम टॉप पर हैं। झांसी में 45 का तापमान रहा, प्रयागराज में भी 45 का तापमान रहा है। बाकी सोनभद्र, आगरा और हमीरपुर में भी भीषण गर्मी पड़ी है। अब आपको बता दें 17 जिलों में लू का ऑरेंज अलर्ट रहेगा, आप यहां पे देख सकते हैं। इसके साथ ही 12 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो मोदी ने योगी की पीठ थपथपाई, तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने पर कहा बधाई हो। सदन में सबसे आगे की पंक्ति में बैठे थे सीएम योगी। 9 जून को शपथ लेंगे प्रधानमंत्री पद का, फिर 11 को काशी आएंगे पीएम नरेंद्र मोदी, बाबा विश्वनाथ का लेंगे आशीर्वाद, गंगा आरती और आभारी काशी जनसभा प्रस्तावित करेंगे। एनडीए ब्लॉक में बड़ी खबर सामने आ रही है, मोदी के साथ सहयोगी दलों के 18 सांसद ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ, जिसमें 7 कैबिनेट और 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री होंगे। नरेंद्र मोदी 9 जून आज 7:15 तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मोदी के साथ एनडीए के 14 सहयोगी दलों के 18 सांसद भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इनमें 7 कैबिनेट और बाकी 11 स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री के रूप में शपथ लेंगे। फिर भी सूत्रों के हवाले से तो यही खबर सामने आ रही है, टीडीपी और जेडीयू के 2-2 और शिवसेना के 1 कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि इसके अलावा एनसीपी, एलजेपी और जेडीएस के कोटे से भी कैबिनेट मंत्री शपथ लेंगे। तो कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाले सीआईएसएफ कांस्टेबल पर एफआईआर हो गया है। एक्ट्रेस की बहन ने विवादित बयान भी दे दिया। बॉलीवुड सिंगर बोले कुलविंदर को नौकरी दिलाऊंगा। दोस्तों हिमाचल की मंडी सीट पे बीजेपी की लोकसभा सांसद चुनी गई एक्टर कंगना रनौत को थप्पड़ मारे जाने की घटना तूल पकड़ ली है। सीआईएसएफ की आरोपी लेडी कांस्टेबल कुलविंदर कौर को सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा शुक्रवार को कुलविंदर कौर के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत केस दर्ज किया गया है। वही दोस्तों, अब शादी अनुदान योजना में अब ये भी दे सकते हैं आवेदन। सरकार ने आय सीमा बढ़ा दी है। शादी अनुदान योजना में अब निर्धारित बीपीएल की आय सीमा को बढ़ा दिया गया है। अभी तक योजना के तहत ओबीसी वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्ति को ही आवेदन करने को मिलता था। मतलब कि दोस्तों आपको बता दें, शहरी क्षेत्र जिनकी वार्षिक आय 56,460 और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपए प्रतिवर्ष थी, वही योजना के पात्र थे। अब पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित शादी अनुदान योजना में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में 1-1 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले ओबीसी वर्ग के परिवार भी आवेदन कर पाएंगे। तो पाकिस्तान पर मंडराया है टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, भारत से हारा तो हो जाएगा खेला। दोस्तों बाबर आजम की अगुवाई वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम टी20 वर्ल्ड कप की लीग स्टेज से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। यूएसए से हारने के बाद भारत के खिलाफ भी अगर वो हार जाती है तो उसकी मुश्किलें बढ़ जाएगी। वही ऊर्जा मंत्री ने दिया सख्त आदेश, कहा भीषण गर्मी और लू में कहीं भी ना हो अनावश्यक रूप से बिजली कटौती। ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप चल रहा है, गर्मी में आमजन को परेशानी ना हो इसके लिए कहा है कि अनावश्यक बिजली कटौती ना हो। जहां पर भी विद्युत आपूर्ति संबंधित व्यवधान उत्पन्न हो रहा है उसका जल्द निराकरण करें। ट्रांसफार्मर जलने, बिजली तार टूटने, लो वोल्टेज, ट्रिपिंग, इन सभी समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाए। जनता से दूरी, अति आत्मविश्वास, खिसक गई जमीन, अयोध्या में हार भाजपा के लिए गहरी चोट सामने आई है। लोकसभा चुनाव में फैजाबाद अयोध्या सीट की हार भाजपा को पच नहीं रही है। इसे एक सामान्य सीट की हार के रूप में नहीं देखा जा सकता, इसे भाजपा के प्रतीकों के प्रयोग की विफलता के रूप में देखा जा रहा है। हार के और कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जिसमें स्थानीय मुद्दों पर सांसद लल्लू सिंह की निष्क्रियता और संविधान संशोधन जैसे बयान प्रमुख है। सीएम योगी ने नए कानून लागू होने से पहले ही तैयारियों की समीक्षा कर ली है, अधिकारियों को दिया है निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्याय प्रणाली को और सशक्त बनाने के लिए हर जिले में फॉरेंसिक लैब स्थापित कराए जाने का निर्देश दिया है। कहा है कि सभी फॉरेंसिक लैब में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का सहयोग लिया जाए।
तो दोस्तों अब भट्टी सा तपेगा यूपी, अगले 3 दिनों तक गर्मी मचाएगी हाहाकार। आईएमडी ने जारी कर दिया है अलर्ट। ऐसे में मौसम विभाग ने कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश में 8 जून से 12 जून तक मौसम विभाग ने भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है। कानपुर नगर, कानपुर देहात, फैजाबाद, जालौन, आगरा, फतेहपुर, जौनपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, गाजीपुर, चित्रकूट, महोबा, झांसी और ललितपुर में गर्म हवाएं चलेंगी। तो क्या विधानसभा चुनाव 2027 में भी बना रहेगा सपा कांग्रेस का गठबंधन? अजय राय ने खोल दिया है पत्ता। दोस्तों प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का कहना है कि कांग्रेस व सपा का गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। उत्तर प्रदेश में भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए अगला विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाला है तो ये दोनों दल साथ मिलकर लड़ेंगे। अजय राय ने कहा कि जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं उससे दोनों दलों के कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। अब सीएम योगी को भी बाहर का रास्ता दिखाएंगे और कड़ी चुनौती देते हुए उनकी बड़ी हार होगी। प्रतापगढ़ में प्रधान की गला रेतकर हत्या, कार से टपक रहा था खून, ग्रामीणों ने देखा तो रह गए सन्न। दोस्तों प्रतापगढ़ में बदमाशों ने ग्राम प्रधान को गला रेतकर हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें लेकर सीएससी कुंडा पहुंच, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। प्रतापगढ़ में प्रधान की गला रेतकर निर्मम हत्या हुई है। दोस्तों आज भारत पाकिस्तान का मैच है, लेकिन जो टॉस जीतेगा वही मैच जीतेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2007 के बाद जिसने भी सेकंड बैटिंग की है वही सबसे ज्यादा मैच जीता है। भारत पाकिस्तान का मैच हमेशा लो स्कोरिंग रहा है, यानी बहुत बड़े बड़े स्कोर भी नहीं बने। जी हाँ, वर्ल्ड कप में 71% मैच सेकंड बैटिंग करने वाली टीमों ने जीता है। भारत पाकिस्तान के बीच पहली बार कोई T20 मुकाबला 2007 में हुआ था जिसने भारत ने मैच जीत लिया था। हालांकि अब आपको बता दें, भारत ने बॉल आउट के जरिए मैच जीता था। उसके बाद से जितने भी मैच हुए हैं, चाहे 2009, 2010, 2012, हर मैच में भारत ने सेकंड बैटिंग की है या पाकिस्तान ने सेकंड बैटिंग की है, उन्हीं को जीत मिली है। 2021 में पाकिस्तान ने एकमात्र वर्ल्ड कप मैच सेकंड बैटिंग करते हुए जीता था, यानी सेकंड बैटिंग करने वालों की टीम ने 71% मैच जीता है। यही कारण है कि जो आज टॉस जीतेगा वो मैच जीतेगा। वही ब्याज दरों में लगातार 8वीं बार बदलाव नहीं हुआ, लोन महंगे नहीं होंगे, आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, आरबीआई ने 6.5% रेपो रेट बरकरार रखा है। दोस्तों फास्टैग एनसीएमसी में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा पैसा, अभी मैनुअल रूप से बार बार रीलोड करना पड़ता था, यूपीआई लाइट के लिए भी शुरू होगी ये सुविधा। वही सेंसेक्स 2% से ज्यादा उछल पड़ा, रिकॉर्ड 76,795 पर पहुंचा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले के स्तर को पार किया है, निफ्टी 23,290 पर बंद हुआ है। वही दोस्तों आईटी इंफ्रा में निवेश करे सभी बैंक, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की बैंकों को सलाह, बोले इससे रुकावटों में कमी लाई जा सकती है। टाटा अल्ट्रा रेंज रेसर 9.5 लाख रुपए में लॉन्च हुई है, 360 डिग्री कैमरा वाली भारत की पहली प्रीमियम हैचबैक कार है, हुंडई i20 एन लाइन से इसका मुकाबला रहेगा। दोस्तों बजाज का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चेतक 2901 लॉन्च हुआ है, फुल चार्ज पर 127 किलोमीटर की रेंज का दावा किया गया है, ओला S1X और एथर रिश्ता S से मुकाबला रहेगा। सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी, आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।